नमस्कार, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ने पंजाब दे, हरियाणे दे और राजस्थान के? सब ठीक ठाक है जी, बढ़िया जी। हम है टिकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ दिल्ली में। तो मैं आज ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ वो किस चीज़ के विषय पे मैं बोलने जा रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग अपने अपने घर से, अपने अपने गांव से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, किसान मजदूर जो कि सरकार के साथ भिड़े हुए हैं, तीन काले कानून जिसके ऊपर अब तक मोदी साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है अपना। तो किसान डटे हुए हैं पिछले एक साल से, हर तरह का मौसम देख लिया, गर्मी, सर्दी, बारिश, और किसान भी डटे हुए हैं कि हम काले कानून वापस करवा के ही जाएंगे। तो मुद्दे पे आते हैं कि जैसे ही हम दिल्ली के लिए अपने अपने घर से रवाना हों तो मेरे हिसाब से हमें एक मुद्दा अपने गांव का, अपने घर का, अपने देश का कोई एक मुद्दा यहां दिल्ली लेके आना चाहिए। दिल्ली सिर्फ इसलिए मत आओ कि हम स्टेज पे जाएंगे, वहां पे हाजिरी लगाएंगे और जो पगवंते जो वहां पे भाषण होता है हमारे क्रांतिकारी वीरों से सुनने को जो मिलता है कि वही सुन के वापस आ जाएंगे। हमें खुद बोलना पड़ेगा, अपने देश के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उठा सकते हैं, हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर, हर गांव में मुद्दे पड़े हैं, अपनी पंचायत के पड़े हैं, अपने स्कूलों के पड़े हैं, अपने हॉस्पिटलों के पड़े हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हम मुद्दा बना के सरकार के सामने रख सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। और मेरे साथ कुछ मेरे भाई हैं जो लगातार इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इन सबको। किसान मजदूर एकता जी। और मेरे साथ एक मेरे भाई हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मैं राजस्थान भाइयों से निम्रता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा किसान दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। यहां पे ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के बहकावे में मत आइए। यहाँ पे पूरा सिस्टम किसानों के हक में चल रहा है। जैसे कि सरकार ने अपना काम करना है और मजदूरों और किसानों ने अपना, शांतिपूर्वक हम रोड पे बैठे हैं, हर चीज की सुविधा है जो हमें अपने घर पे चाहिए। शायद हमारे घर पे कुछ चीजें ना हो लेकिन यहाँ पर हर चीज आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोगों में प्यार है, प्रेम है। अभी ये धरने पे आके पता चलता है, हर जाति, हर बंदा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। मैं अपने राजस्थानी भाई से दो बातें पूछना चाहूंगा। जी राजस्थानी भैया, जैसे कि आप कब से हैं यहाँ पे? यहाँ करीबन मेरे को एक महीना हुआ। और क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के लोगों को? गांव के लोगों के पास तो मैं हर रोज यानी एक दो दिन से यहाँ वीडियो बना लेता हूँ और वो भेजता हूँ कि ये लोग कहते हैं मोदी के जो मतलब के चमचे मानो इनको, चाहे इनके पालतू कुत्ते कह सकते हो, समाज में घूमते हैं और ये कहते हैं कि पता नहीं वहाँ कब गोलियां चल सकती हैं, कब किसानों के ऊपर अत्याचार हो जाएगा, वहाँ क्या है, वो तो रास्ते पंजाब और हरियाणा का काम है। क्यों? उनकी छोटी सोच है, छोटी सोच होने के नाते वो तो वही कहेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ पूरे भारत के किसानों का काम है, मजदूर का काम है। हम यहाँ आए हैं तो यह नहीं हम खाली हाथ चले जाएंगे, यहाँ से हम काले कानून वापिस करके ही जाएंगे, इससे पहले कोई वापिस हटने का नाम नहीं लेंगे। यही मेरा उद्देश्य यही है और सभी भाइयों के मैं यही प्रेरित करता हूँ। लगभग राजस्थान में मैं भाषण देने के लिए जाता हूँ टिकरी बॉर्डर पर और वो वीडियो वहाँ जाती है उनके पास, तो वो समझते हैं लोग कि वहाँ ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे समाज के अंदर ये असामाजिक तत्व घूमकर हमारे को गाइडलाइन दे रहे हैं, वो वहाँ बात नहीं है। इसलिए मैं यह करीब करीब स्टेज पर जाता हूँ तो भाषण देता हूँ, मेरे भाषण में इस तरह की ही बातें उनको मैं बताता हूँ। जी जी धन्यवाद। ये थे हमारे राजस्थानी भाई और आप ये नारौंद के मेरे भाई बैठे हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे?
तो मेन बात है, मैं यही बात सिद्ध करनी चाहता हूँ कि जब आपके सामने माइक आए तो माइक से मुंह मत चुराएं, जो भी जहन में है उसे बाहर निकालें, सरकारों के खिलाफ दृढ़ता से एकजुट होकर खड़े हो जाएं। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।